हल्द्वानी के कई मंदिरों में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं पटेल चौक स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पास वट वृक्ष के पास सुबह से ही महिलाओं का तांता लगा रहा। यहां महिलाओं ने विधि विधान से पूजा की। बता दें कि वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे अपने मृत पति के जीवन को वापस लाया। यमराज को अपने पुण्य धर्म से प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत पर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत कथा सुनने की भी परंपरा है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आज हम ये जेठ माह की जो अमावस्या को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है, उसका हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। और इस दिन पूजा की जाती है कि सावित्री ने, इस दिन माना जाता है कि सावित्री सत्यवान को अपने पति को अकाल मृत्यु होने से बचाकर लेकर आई थी। इस व्रत का तो बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि एक सुहागन को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो अपना सुहागी होता है और अपने बच्चे। तो ये जो व्रत है ये अखंड सौभाग्य के लिए होता है, अपने सौभाग्य की सफलता के लिए होता है। आज का जो पर्व है ये पर्वतीय समाज के लिए, एक जिस प्रकार लोग करवा चौथ मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वट सावित्री का वृतांत श्रीमद् भागवत जी में है। किस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज्य से भी वापसी मांगकर, उसके प्राण वापसी मांगकर ले आई थी।